ये है मोनी रॉय 2004 में बॉलीवुड मूवी के सॉन्ग में एज अ बैकग्राउंड डांसर। और ये है मोनी रॉय 2022 में बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म में एज अ लीड विलेन। एक मकसद, कैसे मोनी रॉय ने अपने आप को बिना किसी गॉडफादर के एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड डांसर से ग्लैमरस बॉलीवुड एक्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये कहानी है क्वीन ऑफ इवोल्यूशन मोनी रॉय की। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय लेजपीडिया। बॉर्न इन टू अ बंगाली फैमिली ऑफ कूच बिहार, बचपन से ही मोनी को डांस, सिंगिंग और पेंटिंग की ट्रेनिंग दी गई थी। Again, I come from a Bengali household and I have always sang and danced and painted. और यहीं से उन्हें dancing से प्यार हो गया। But क्योंकि उनके dad West Bengal civil services में काम करते थे, इसलिए मोनी रॉय ने भी ये decide किया था कि वो एक IAS officer बनेंगी। My father wanted me to. He was in West Bengal civil services and so I thought I would sit for my civils. पर as a hobby, वो साथ में कई dance forms की training भी लेती रहीं। उनका सपना एक IAS ऑफिसर बनना था। एक्ट्रेस बनने के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। When you always wanted to be an actress? Not really, no. I actually wanted to be an IAS. 12th पास करने के बाद मोनी रॉय को दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में एडमिशन मिल गया और वो कूच बिहार से दिल्ली शिफ्ट हो गई। अपने कॉलेज के टाइम में मोनी एज अ कोरियोग्राफर भी काम करने लगी। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम मिरांडा हाउस इन इंग्लिश ऑनर्स। कॉलेज टाइम में ही ईयर 2004 में मोनी को रन मूवी के सॉन्ग नहीं होना में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करने का मौका मिला। इस सॉन्ग में आप उन्हें ऑरेंज लहंगे में स्पॉट कर सकते हैं। इसके बाद अपने पेरेंट्स के कहने पर मोनी ने जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में मास कॉम में एडमिशन ले लिया। And then I did my MA in mass comm from Jamia after I came to Bombay. But ऐसा कहते हैं कि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, पर होता वही है जो आपकी किस्मत में लिखा होता है। And fate had a bigger role in store for her. वो कभी कभी बोलते हैं ना, आपकी डेस्टिनी में होता है तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। मोनी रॉय को उनका पहला सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इत्तेफाक से मिला। जब वो इसके लिए ऑडिशन देने गई थी तब उन्हें पता भी नहीं था कि ये ऑडिशन बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए है। वेरी ग्रेटफुल फॉर हाउ आई गॉट माई फर्स्ट शो। आई रिमेंबर आई वॉज वॉकिंग आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, समबडी टैप्ड माई शोल्डर एंड सेड ऑडिशंस गोइंग ऑन इन दिल्ली, एंड दैट्स हाउ आई केम टू बॉम्बे। और इस एक ऑडिशन ने उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ ही महीनों में वो एक ऑर्डिनरी कॉलेज गर्ल से टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो की वन ऑफ द लीड एक्ट्रेस बन गए। इस सीरियल का क्रेज अर्ली 2000s में कुछ ऐसा था कि 10:30 बजते ही लोग अपने सारे काम छोड़कर स्क्रीन के सामने बैठ जाते थे। अपने पार्ट वन की एग्जाम्स खत्म करके वो मुंबई शिफ्ट हो गए और फिर कभी वापस दिल्ली नहीं जा पाई। जब मैं बॉम्बे आई और मैंने 6 महीने बाद ही मुझे समझ में आ गया था that I love what I do and I'm not going to leave it. I love acting, I love dancing. क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बंद होने के बाद 2008 से 2010 तक मोनी रॉय ने दो सहेलियां और कस्तूरी जैसे सीरियल में साइड रोल्स किए। और जल्दी आऊंगा। अब जाइए। पर उन्हें टीवी सीरियल से ज्यादा रियलिटी शोज और अवार्ड शोज के थ्रू पहचान मिली। डांस, जिसे वो अब तक एक हॉबी की तरह ट्रीट करती रहीं, वही उनकी पहचान बन गई और पढ़ाई ने बैक सीट ले लिया। 2008 में जरा नच के दिखा शो में मोनी रॉय की टीम विनर बनी। इस शो में उनके डांसिंग स्किल्स को देखकर लोग हैरान रह गए थे। इसके बाद टीवी के हर एक अवार्ड शो में वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने लगी। शी नेवर लेफ्ट द अपॉर्चुनिटी टू डांस। आई लव डांसिंग, इट्स ऑलवेज बीन माय पैशन बचपन से। मैं डांस करते करते बड़ी हुई हूँ। आई कैन स्लीप डांस, ईट डांस, टॉक डांस, आई मीन इट्स माई लाइफ। बट 2009-10 के अराउंड उनके करियर में थोड़ा डाउनफॉल भी आया। बट फिर 2011 में उन्हें देवों के देव महादेव में सती के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। इस सीरियल में मोनी और मोहित रैना की जोड़ी के लोग फैन बन गए थे। इवन लोग उनके शादी करने का इंतजार कर रहे थे। और मात्र कह देने से आपकी वाणी भविष्यवाणी नहीं बन जाएगी। बट इंस्टेड ऑफ मैरिंग शी हैड बिगर प्लान्स। टीवी में कई सालों तक काम करने के बाद मोनी ने बॉलीवुड मूवीज के लिए ट्राई किया। उन्होंने कई ऑडिशंस भी दिए बट वो सेलेक्ट नहीं हो पाई। बट इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम वो रियलिटी शोज और सीरियल्स करती रहीं। शी नेवर स्टॉप्ड वर्किंग। आई गो गिव ऑडिशंस एंड आई ऑलवेज आई रिमेंबर पीपल टेलिंग मी दैट
you know, you were the last two or three shortlisted one and you didn't make it. But iske baad unhe Nagin TV serial offer hui. This series topped the TRP charts. Is series ki wajah se wo na sirf India balki kai aur countries mein bhi ek household name ban gayi. Iske baad unhe Gold movie mein audition dene ke liye call aaya. But then there was one fine day, I got a call from Nandini Shrikant, went and auditioned for Gold. Waited for 2 months thinking, achha nahi hua, ye bhi nahi hua shayad. And then I got another call and then I was asked to go meet Reema ma'am and then Akshay sir and then they said, welcome to Gold. Ye movie box office par hit rahi. This movie opened the doors of Bollywood for Moni Roy. Purana gulami ka badla lega. Khoob bhalo Shapna, lekin Shapna dekhne wala gutter mein pada hai. इसके बाद KGF मूवी के सॉन्ग गली गली में वो केमियो करती हुई नजर आई. ये सॉन्ग काफी फेमस हो गया. इस सॉन्ग पर करंटली 400 मिलियन व्यूज हैं. अगेन डांस प्लेड अ बिग रोल इन मोनीज करियर. रिसेंटली रिलीज हुई मूवी ब्रह्मास्त्र में भी मोनी रॉय के रोल को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है. स्क्रीन पे आती है आप डरते हैं. मैंने चुड़ैल बोला है इसलिए वो बुरा ना मान जाए. मुझे मूवी में सबसे अच्छी लगी वो मोनी रॉय ने बहुत ही अच्छा काम. अगर आप मोनी रॉय के करियर को देखें तो 2006 के बाद से लगातार वो काम करती ही आई हैं. कभी उनके करियर में कोई गैप नहीं है. उनके साथ स्टार्ट करने वाले मेजॉरिटी ऑफ टीवी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का करियर खत्म हो चुका है. बट इवन आफ्टर 15 ईयर्स शी इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग.